हाय वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग बात करें ईवी स्टॉक के बारे में यानी फाइव बेस्ट ईवी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो चलिए फर्स्ट स्टॉक पे चल फर्स्ट जो हम लोग का ईवी स्टॉक है वो टाटा मोटर्स लिमिटेड ये एट अ मोमेंट ये लार्ज कैप सेक्टर में ये डील करती है एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में है टाटा मोटर्स का अगर वैल्यूएशन को देखें ये ओवर स्टॉक में है यू कैन क्लियरली सी इट्स ट्रेडिंग ओवर द इंटेन्सिक वैल्यू एंड अगर हम लोग इसका पैटर्न स्टॉक पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें स्टॉक स्टॉक जो पैटर्न है इसका बोलिस जोन में है एंड इन डिटेल्स हम लोग कैंडल चार्ट पैटर्न में डिस्कस करेंगे उससे पहले हम लोग इसका फंडामेंटल्स को एक बार देख लेते हैं पी रेशियो इस स्टॉक का फोर्टी है जहाँ इंडस्ट्री पी ही सेवनटीन पॉइंट क्लियरली सी द ओवर वैल्यू स्टॉक है एंड अगर फाइनेंशियल को देखिए चाहे वो प्रॉफिट हो या नेटवर्थ हो कंपनी ने कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है मेंटेन किया है यू कैन क्लियरली सी द रेवेन्यू को देखो सेवेंटी एट थाउजेंड से वन लाख फाइव में जंप किया है प्रॉफिट को भी देखो तो थाउजेंड माइनस से अभी फाइव थाउजेंड प्लस में ये अभी इसका प्रॉफिट है नेटवर्थ को भी देखो तो फोर्टी फोर थाउजेंड से फोर्टी फाइव थाउजेंड इंक्रीज हुआ है यानी अपना फिनेंशियल को मेनटेन किया है एंड रेगुलरली ग्रोथ किया है तो फिनेंशियल काफी स्ट्रांग दिख रहा है इस कंपनी का नेक्स्ट हम लोग इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं अगर हम लोग टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर को देखें थर्टी फाइव परसेंट अपना कमर्शियल व्हीकल में है जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेवेंटी एट परसेंट है फिफ्टी प्लस मार्केट शेयर होना एक कंपनी का काफी बड़ी बात है लाइट कमर्शियल व्हीकल में फोर्टी नाइन परसेंट मीडियम एंड हेवी कमर्शियल में फिफ्टी एट परसेंट पैसेंजर व्हीकल में थर्टीन परसेंट पिकअप में थर्टी नाइन परसेंट यूटिलिटी व्हीकल में फिफ्टीन परसेंट यानी ये हम लोग को ब्रेकअप मिल गया मार्केट शेयर मिल गया नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को अगर देखें जैगोअर लैंड रोवर सिक्स में ये अभी ज्यादातर डील करती है कमर्शियल व्हीकल में ट्वेंटी में थर्टीन एंड रेस्ट ऑफ द सिस्टम में व्हीकल फाइनेंसिंग है लोकेशन वाइज ब्रेकअप को अगर देखें कहा ये अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करती है यूएसए में 15 पर 15.8 इंडिया में 33 परसेंट अदर्स में आपका 15.6 है चाइना में थर्टी पॉइंट सेवन परसेंट है ट्वेल्व पॉइंट फोर आपका रेस्ट ऑफ आप द यूरोप यूके में आपका नाइन पॉइंट सिक्स यानी ऑल ओवर वर्ल्ड ये अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करती है इतना स्ट्रांग इसका बैकअप है इतना स्ट्रांग कंपनी है अगर मोस्ट ऑफ द सेक्टर ये इंडिया में डिलीवर करती है अगर नेक्स्ट हम लोग इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कहाँ कहाँ से ये प्रॉफिट अपना जनरेट करती है जहाँ कमर्शियल वेहकल से ये ज्यादातर प्रॉफिट को जनरेट करती है 47.9 परसेंट टाटा मोटर्स का कैंडल चैट पैटर्न को ऑब्जर्व करें बुलिस जोन में है काफी हाई वॉल्यूम में बाई हुआ कैन क्लियरली सी एंड आर एस आई इंडेक्स को भी फॉलो करेंगे तो ये ओवर बोर्ड जोन में है यानी आने वाले समय में जरूर आपको प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा यानी प्राइस विल टेंड टू मूव डाउनवर्ड्स एंड बीस जोन देखने को मिलेगा नेक्स्ट हम लोग इसका फंडामेंटल्स को देख लेते हैं पी रेशियो इस कंपनी का सेवनटी सिक्स पॉइंट फाइव टू है यानी ओवर वैल्यू स्टॉक है डिविडेंड डील जीरो पॉइंट थर्टी टू परसेंट है यानी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है राइट कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर आपको लग रहा है कि कंपनी का डिविडेंड पर शेयर क्या है डिविडेंड पर शेयर जो है टू रुपीज डिविडेंड पर शेयर करंट रेट के हिसाब से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपनी का डेट भी है एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड से कंपनी का डेट है कंटीजियन लाइबिलिटीज भी है उसके साथ टू फाइव नाइन फोर पॉइंट सेवन जीरो जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी कैश रिजर्व अवेलेबल है यानी ऑपरेटिंग कैश रेवेन्यू चौदह सौ चौदह पॉइंट सिक्स फाइव करोड़ का कैश रिजर्व अवेलेबल है अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो को देखे तो जीरो पॉइंट एट फोर है यानी लोन डेट टू कैपिटल है इंसॉल्वेंसी होने का चांस काफी कम है ड्यू टू डेट अगर हम लोग फिनेंशियल को देखें यानी प्रॉफिट एंड सेल्स को देखें कंपनी ने कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया मेंटेन किया हम लोगों ने पहले भी देखा था एकदम शुरू में शुरुआत में कि फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी ने लगातार मेंटेन किया है इंक्रीज़ किया है प्रॉफिट को भी यूजली नेगेटिव से आपका इंक्रीज़ हुआ है एंड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन एक्सेस को भी देखें तो काफ़ी डिसेंट है बट इम्प्रूवमेंट हो सकता है एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग्स को देखें फोर्टी है एंड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी काफ़ी बढ़िया है शेयर होल्डर्स पैटर्न है कंपनी का वो भी बढ़िया है यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक कंपनी के पास प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स सभी आती है जब कंपनी का प्रॉफिटेबल हो एंड कंपनी का रेवेन्यू मॉडल काफी बढ़िया हो कंपनी का जो सबसे कंसर्निंग पॉइंट है वो है नेगेटिव नेट कैश फ्लो ये थोड़ा बहुत कंसर्निंग इशू है अदरवाइज कंपनी का फंडामेंटल हो या फिर फाइनेंशियल हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है नेक्स्ट टाटा मोटर्स एट द मोमेंट ट्रेड कर रही है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन पॉइंट फोर फाइव में एंड लास्ट थ्री ईयर्स में ये आपको फोर सिक्सटी नाइन प्लस आपको प्रॉफिट बना कर दिया है लेकिन ई वी स्टॉक पे चलते हैं सेकेंड जो आप लोग का इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड अशोक लेलैंड लिमिटेड ये आपका मिड कैप सेक्टर स्टॉक है एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करती है अगर कंपनी का वैल्यूएशन को देखें तो कंपनी ये भी कंपनी आपको ओवर वैल्यू स्टॉक है अगर हम लोग स्टॉक पैटर्न को ऑब्जर्व करें एट अ मोमेंट ये बेहरी स्टोर में है एंड इन डिटेल्स हम लोग कैंडल चार्ट पैटर्न में डिस्कस करेंगे तो ले लैंड का अगर फंडामेंटल डिटेल्स को अगर देखें तो 39.27 इसका पी ई रेशियो है जहाँ इंडस्ट्री पी ट्वेंटी है यानी सेवन यू कैन क्लियरली सी ओवर वैल्यू स्टॉक है अगर हम लोग इसका फाइनेंशियल को देखें फाइनेंशियल को देखें चाहे वो रेवेन्यू हो प्रॉफिट हो नेटवर्थ हो कंपनी ने लगातार इंक्रीज़ किया है यू कैन क्लियरली सी नाइन से अभी 13,200 में इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट को भी देखो तो 140 से 753 में जंप हुआ है नेटवर्थ को देखो आप सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड से एट हंड्रेड यानी साढ़े आठ हजार प्लस आपका नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है तो कंपनी ने अपना फाइनेंशियल को काफी अच्छी तरीके से मैनेज करके इंक्रीज करके मेंटेन किया है तो फाइनेंशियल काफी ठीक दिख रहा है कंपनी का काफी बढ़िया दिख रहा है एंड इन डिटेल्स अगर मार्केट शेयर को हम लोग अगर जानने की कोशिश करें सिक्सटीन है अशोक लेलन का कमर्शियल व्हीकल में लाइट कमर्शियल व्हीकल में अगर स्कूल बस में भी देखोगे तो फोर्टी फाइव परसेंट से अधिक इसका मार्केट शेयर है नेक्स्ट हम लोग इसका प्रोडक्ट वाइज बैकअप को देखें तो कमर्शियल व्हीकल में ये ज्यादातर डील करती है नाइनटी वन पॉइंट टू यानी मोस्ट ऑफ द जो डीलिंग सेक्टर है वो है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंशियल सर्विस में एट पॉइंट एट अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप यानी कौन कौन सा प्रोडक्ट ये ज्यादातर लॉन्च करती है ज्यादातर डील करती है लाइट कमर्शियल व्हीकल में सिक्सटी थ्री पॉइंट फोर जहाँ मोस्ट ऑफ द सेक्टर लाइट कमर्शियल व्हीकल में है ट्रक्स में भी है थर्टी वन पॉइंट नाइन बस में भी है फोर पॉइंट सेवन परसेंट लोकेशन वाइज यानी अपना प्रोडक्ट को कहाँ डिलीवर करती है सर्विसेज को कहाँ डिलीवर करती है ज्यादातर इंडियन बेस्ड कंपनी है तो इंडिया में नाइनटी वन पॉइंट थ्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 8.7 अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से इसका प्रॉफिट जनरेट होता है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर्स में ये ज़्यादातर प्रॉफिट को जनरेट करता है 73.5 परसेंट नेक्स्ट हम लोग कैंडल चार्ट पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करेंगे एट अ मोमेंट ये बुरे जोन में है यानी आने वाले समय में अगर हम लोग आर इंडेक्स को अगर फॉलो करेंगे तो ये ओवर जोन की तरफ जा रहा है अगर ओवर जोन की तरफ जा रहा है तो आपको प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा आने वाले समय में आपको बियरी जोन देखने को मिल सकता है फंडामेंटल डिटेल्स को अगर फॉलो करें तो पी रेशियो ओवर वैल्यूड है डिविडेंड वन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट है यानी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनी तभी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो यानी यू कैन क्लियरली सी कंपनी प्रॉफिटेबल है यानी करेंट रेट के हिसाब से यानी वन पॉइंट फाइव नाइन तो परसेंट का हिसाब से नियर अबाउट टू रुपीज सिक्सटी पैसा कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है यानी डिविडेंड पर शेयर कंपनी का है डेट है कंपनी का थ्री वन एट जीरो पॉइंट टेन करोड़ का डेट है कंडीजियन लाइबिलिटीज भी है 13, 13 जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी कैश रिजर्व अवेलेबल है यानी ऑपरेटिंग कैश रिवेन्यू फाइव हंड्रेड वन पॉइंट टू नाइन करोड़ क्योंकि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी जीरो पॉइंट थ्री एट है यानी लो ऑन डेट टू कैपिटल है तो इनसॉल्वेंसी होने का चांस काफी कम है कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी देख, देखोगे तो रिटर्न इक्विटी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न और एसेज भी काफी बढ़िया है यानी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज करके प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है प्रोमोटर्स होल्डिंग्स हाई प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है फिफ्टी वन पॉइंट फाइव थ्री है जो काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है जब भी एक स्टॉक सेलेक्ट करते हो कंपनी का जो वन लिमिटेशन है वो है नेट कैश फ्लो नेट कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है ये थोड़ा बहुत कंसर्निंग पॉइंट है अदरवाइज कंपनी का फंडामेंटल हो फिनेंशियल हो कंपनी ने अच्छी तरीके से मैनेज करके अपना इंक्रीमेंट किया है तो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉग दिख रहा है एट द मोमेंट अशोक लेलैंड ट्रेड करिए वन सिक्सटी नाइन पॉइंट एट जीरो पे एंड लास्ट थ्री ईयर्स में ये आपको टू ट्वेंटी एट परसेंट से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है थर्ड स्टॉक पे चलते हैं यानी थर्ड जो हम लोग का ई स्टॉक है वो है ओलेक्ट गेनटेक लिमिटेड ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डील करती है स्मॉल कैप सेक्टर है अगर कंपनी का वैल्यूएशन को देखिए ये भी आपको ओवर वैल्यू स्टॉक है एंड अगर हम लोग स्टॉक पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें ये पुलिस जोन में डील कर रही है हम लोग इन डिटेल स्कैंडल चार्ट पैटर्न में डिस्कस करेंगे उससे पहले हम लोग इसका फंडामेंटल्स को देख लेते हैं पी रेशो इस कंपनी का 164.86 है जहां इंडस्ट्री पी 28.05 है यानी स्ट्रॉन्गली ओवर वैल्यू स्टॉक है फिनेंशियल को अगर देखेंगे चाहे वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो या फिर नेटवर्थ हो कंपनी ने कंटिन्यूसली इंक्रीज करके मेंटेन किया है 271 से 1091 यानी कम काफ़ी हाई जंप है प्रॉफिट को भी देखोगे तो सेवेंटीन से सिक्सटी फाइव सेक्टर एट द मोमेंट ट्रेंडिंग सेक्टर में है एंड आने वाले समय में भी, भी आपको इस सेक्टर में और भी तेजी देखने को मिलेगा कि अगर सेक्टर ग्रो करेगा आपको ज्यादातर सेल्स देखने को मिलेगा सेल्स सेल्स देखने को मिलेगा तो आपको प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ेगा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको कंपनी में तेजी देखने को मिलेगा कंपनी में तेजी देखने को मिलेगा तो स्टॉक प्राइसेस भी इंक्रीज रहेगा तो ऑल एंड ऑल ई सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हो रहा है फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है एंड आने वाला समय में भी आपको इस स्टॉक में काफ़ी इस सेक्टर में काफ़ी तेजी देखने को मिलेगा तो कंपनी का जो फिनेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रांग है काफ़ी कंपनी ने अच्छी तरीके से मैनेज करके इंक्रीज किया है अगर हम लोग इसका डिटेल्स इन डिटेल्स ऑल एक्टा गेन टेक का हम लोग इसका प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को देखें तो ई बस डिवीजन 86.5 सिक्स परसेंट या ज़्यादातर अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेस ई बस डिवीजन में डील करती है चाहे इंसुलेटर्स डिवीजन में 11.4 पॉइंट ई बस ई ट्रक डिवीजन में 2.1 परसेंट लोकेशन वाइज ब्रेकअप को देखें तो इंडियन डोमिनेटेड कंपनी है हंड्रेड परसेंट इंडियन डोमिनेटेड कंपनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कहा से जनरेट करती है ई बस डिवीजन से मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट को करती एटी परसेंट चाहे ई ट्रक डिवीजन से तो ये हम लोग को एनालाइजेशन मिल गया यानी प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप मिल गया लोकेशन वाइज ब्रेकअप मिल गया प्रॉफिट वाइज ब्रेकअप मिल गया नेक्स्ट हम लोग इन डिटेल्स अगर कैंडल चार्ट पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करेंगे ये एट द मोमेंट बोलिश जोन में है यानी हाई बोलिश जोन काफ़ी हाई वॉल्यूम में बाई हुआ है कैन क्लियरली सी काफ़ी हाई वॉल्यूम में बाई हुआ है एंड ये आर इंडेक्स क्या बता रहा है ये ओवरबॉड जोन की तरफ है यानी हाईली ओवर बॉड जोन है यानी आने वाले समय में ऑब्वियसली आपको प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा यानी प्राइस विल टेंड टू मूव डाउनवर्ड्स एंड बी आर जोन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट हम लोग ऑलिकटक इनटेक का अगर फंडामेंटल्स को देखें तो पी रेशियो ओवर वैल्यूड है यानी स्ट्रॉन्गली हाईली ओवर वैल्यूड

तो इंसॉल्वेंसी होने का चांस काफ़ी कम है इस स्टॉक का कंपनी का फिनेंशियल हम लोग ने पहले भी देखा था काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके इंक्रीज़ किया है प्रॉफिट एंड सेल्स भी कंपनी ने बूस्टअप किया है अपना प्रोमोटर्स होल्डिंग्स हाई प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है फिफ्टी यानी प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स काफ़ी स्ट्रांग है काफ़ी स्ट्रांग है इस कम, इस स्टॉक का एंड अगर हम लोग इसका नेट कैश फ्लो को भी देखें तो 7.17 है यानी पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो कि काफी बूस्टअप मिलता है जब भी एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हो अगर नेट कैश फ्लो प्रोमोटर्स होल्डिंग्स प्रॉफिटेबल कंपनी होता है तो काफी काफी बढ़िया रहता है यानी जो स्टॉक है इसका फंडामेंटल हो यानी ऑलिक्टा ग्रीन का जो स्टॉक है चाहे वो फंडामेंटल हो या फिर फाइनेंशियल हो काफी स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक का नेक्स्ट हम लोग ओलिक्टा ग्रीन एट अ मोमेंट ट्रेड करिए वन थ्री नाइन फाइव पॉइंट फिफ्टीन में ऑटोमोब है, है महिंद्रा महिंद्रा सेक्टर में डील करती है एंड लार्ज कैप सेक्टर स्टॉक है अगर वैल्युएशन को देखे स्टॉक का तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक है एट द मोमेंट ये ट्रेड कर रही है बिलो इंटेन्सिक वैल्यू पे एंड अगर हम लोग स्टॉक पैटर्न को ऑब्जर्व करे ये बोले जोन में डील कर रही है इन डिटेल्स हम लोग पैनल चार्ट पैटर्न में देखेंगे उससे पहले हम लोग फंडामेंटल्स को देख लेते हैं है पी फंडामेंटल है, जीरो अगर हम लोग फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू हो प्रॉफिट हो या फिर नेटवर्थ हो कंपनी ने कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है maintain किया है यू कैन के पच्चीस हजार से बत्तीस हजार दो हजार दो सौ से छब्बीस सो में इंक्रीज किया है नेटवर्थ को भी देखोगे तो फोर्टी सेवन थाउजेंड से फिफ्टी सिक्स थाउजेंड लगातार इंप्रूवमेंट किया है चाहे वो रेवेन्यू हो प्रॉफिट हो या फिर नेटवर्थ हो नेक्स्ट हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का मार्केट शेयर को जान लेते हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट से भी ज्यादा ये कमर्शियल व्हीकल में डील करती है फोर्टी परसेंट सेक्टर लाइट कमर्शियल व्हीकल में है पैसेंजर व्हीकल में टेन परसेंट है पिकअप सेक्टर में ये फिफ्टी फाइव परसेंट थ्री व्हीलर में सिक्स परसेंट है ट्रैक्टर में थर्टी एट परसेंट है तो ये हम लोग को मार्केट वाइज सेगमेंट ब्रेकअप मिल गया नेक्स्ट प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को देखें तो ऑटोमोटिव में ये ज्यादातर प्रोडक्ट डील करती है एंड फॉर्म इक्विपमेंट में ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन जहाँ लीस्ट है वो है हॉस्पिटेलिटी सेक्टर टू परसेंट लोकेशन वाइज ब्रेकअप यानी अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिलीवर करती है इंडिया में एट्टी परसेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नाइनटीन पॉइंट एट परसेंट है ये हम लोग को मिल गया ब्रेकअप नेक्स्ट हम लोग कैंडल चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं महिंद्र महिंदा लिमिटेड ये बुलिस जोन में है एंड आर एस आई इंडेक्स क्या बता रहा है आर एस आई इंडेक्स बता रहा है ये ओवर बॉड जोन में है यानी बाय इज इन फुल कंट्रोल काफ़ी हाई वॉल्यूम में बाय हुआ है एंड आने वाले समय में आपको प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकता है एंड आपको बी आर जोन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट हम लोग इसका फंडामेंटल को अगर देखें तो पी रेशियो अंडर वैल्यूट है डिविडेंड डील कंपनी का वन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट है यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनी का करेंट रेट के हिसाब से नियर अबाउट सिक्सटीन रुपीज ट्वेंटी फाइव पैसा के आसपास कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपनी का जो डेट है वो है फोर सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री करोड़ का डेट है जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी कैश रिजर्व अवेलेबल है फोर फोर एट वन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ का कैश रिजर्व अवेलेबल है क्योंकि तो होने का चांस काफी कम है ड्यू टू डेट कंपनी का अपना फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल काफी अच्छी तरीके से मेन्टेन करके इंक्रीज किया है हम लोगों ने पहले भी देखा था चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे सेल्स हो चाहे वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो कंपनी ने मेंटेन किया है एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी देखें तो रिटर्न इक्विटी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न एसेट भी काफ़ी डिसेंट है यानी कंपनी अच्छी तरीके से अपना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को मैनेज करके प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है प्रोमोटर्स होल्डिंग्स नाइनटीन है अगर हम लोग शेयर होल्डर्स पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें प्रोमोटर्स होल्डिंग्स 19.37 है एफ एंड डीआई आई मिला के नियर अबाउट 67 सेवन परसेंट एफ आई आपको परसेंट है डीआई आपका 27.72 परसेंट यानी अगर हम लोग ओवरऑल देखें यानी प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स काफी बढ़िया है इस शेयर होल्डर्स पैटर्न में काफी स्ट्रॉन्ग होल्डर नाइनटी टू नेट कैश फ्लो है एंड जो कि पॉजिटिव है कंपनी का ओवरऑल अगर एक्सेस करोगे तो फाइनेंशियल हो फंडामेंटल हो काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का एट द मोमेंट कंपनी ट्रेड कर रही है फिफ्टीन सेवेंटी पे एंड लास्ट थ्री ईयर्स में एंड लास्ट थ्री ईयर्स में ये आपको वन एट्टी से भी ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया फिफ्थ एंड लास्ट जो ईवी स्टॉक है हम लोग का वो है टी वी एस मोटर्स कंपनी लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करती है आज के अब सेक्टर स्टॉक है एंड अगर हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन को देखें तो ये भी आपका ओवर वैल्यू स्टॉक है यानी ओवर इंटेंसिक वैल्यू में ट्रेड कर रही है एंड स्टॉक पैटर्न को अगर देखें तो ये बी जोन में डील कर रही है इन डिटेल्स हम लोग कैंडल चार्ट पैटर्न में बाद में देखेंगे फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स को पी रेशियो फोर्टी है इस स्टॉक का जहाँ इंडस्ट्री पी सेवेंटीन है यानी कंपनी स्ट्रांगली ओवर है यू कैन क्लियरली सी कंपनी का फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है कंपनी ने कंटिन्यूसली मेंटेन करके इंक्रीज किया है यू कैन क्लियरली सी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड से एट थाउजेंड कंपनी ने अपना इंक्रीज किया है टू सेवेंटी सेवन से थ्री थर्टी सिक्स नेटवर्थ में भी चार हज़ार तीन सौ से 5,500 हज़ार सौ सो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है कंपनी अच्छी तरीके से अपना फाइनेंशियल को मेंटेन करके एफिक्टिवली बूस्टअप किया है अपना फाइनेंशियल को अगर हम लोग इन डिटेल्स इसका मार्केट शेयर को देखें यानी टीवीएस मोटर कंपनी का मार्केट शेयर को देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये 12%, 12 में डील करती है थ्री में में टू ये हम को मार्केट शेयर मिल गया प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को भी देखेंगे तो मोटरसाइकिल स्कूटर्स में सेवेंटी मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है इस स्टॉक का वो है मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स में जहाँ सेगमेंट वाइज ब्रेकअप को देखें तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर ऑटोमोटिव सेक्टर में है नेक्स्ट जो है ऑटो कंपन एंड फाइनेंशियल सर्विस कहाँ कहाँ ये अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर करती है इंडियन डोमिनेट कंपनी है इंडिया में सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्वेंटी फोर परसेंट है नेक्स्ट इसका कैंडल चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे तो ये एट द मोमेंट बी आर जोन में है हम लोगों ने पहले भी देखा था यानी काफी हाई वॉल्यूम में सेल हुआ है यानी सेल इज इन फुल कंट्रोल रिलेटिव चेंड इंडेक्स यानी आर एस आई इंडेक्स को भी फॉलो करेंगे ये एवो ओवर मीट जोन है यानी आने वाले समय में आपको

नाइन सिक्स करोड़ का कैश रिजर्व अवेलेबल है क्योंकि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो पॉइंट थ्री सेवन है यानी लोन डेट टू इस कैपिटल है तो इंसॉल्वेंसी होने का चांस काफी कम है ड्यू टू डेट प्रॉफिट एंड सेल्स यानी कंपनी का जो फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है हम लोगों ने पहले भी देखा था प्रॉफिट एंड सेल्स को कंपनी ने मेनटेन करके इंक्रीज किया है चाहे वो प्रॉफिट हो सेल्स हो या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो कंपनी ने मेनटेन करके इंक्रीज किया है एंड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न कैपिटल प्लॉट रिटर्न ऑन एसेस को भी देखें यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी काफी बढ़िया है स्टॉक का यानी अच्छी तरीके से शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एसेस को मैनेज करके प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है प्रोमोटर्स होल्डिंग्स हाई प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है यानी कंपनी का जो शेयर होल्डर्स पैटर्न भी है वो भी काफी बढ़िया है प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स काफी बढ़िया है स्टॉक का एक कंपनी के पास प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स तभी आती है जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो एंड कंपनी का रेवेन्यू मॉडल काफी बढ़िया हो यानी जब भी एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हो प्रोमोटर्स होल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स काफी मायने रखता है इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उससे हम लोग को पता चलता है कंपनी का जो माइनस पॉइंट है थोड़ा बहुत कंसर्निंग पॉइंट है वो है नेगेटिव डेट कैश फ्लो ये थोड़ा बहुत कंसर्निंग है जो कि माइनस नाइनटी फोर पॉइंट फोर जीरो है अदरवाइज कंपनी का फंडामेंटल हो फाइनेंशियल हो काफी स्ट्रॉन्ग एंड एफेटिव दिख रहा है टीवीएस मोटर्स एट द मोमेंट ट्रेड करिए वन थ्री थ्री पे एंड लास्ट थ्री ईयर्स में ये आपको टू फोर्टी फाइव परसेंट से भी ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया जब भी आप स्टॉक पर निवेश करते हो स्टॉक को बाय करते हो आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कुछ स्टॉक आप आई टी में रखिए कुछ स्टॉक आप डिफेंस में रखिए कुछ स्टॉक आप फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर में भी रखिए बिने वाले समय में आपको फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर में काफी तेजी देखने को मिलेगा ऐसे ही कुछ फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर लेफ्ट एंड राइट दो वीडियोज मिल जाएगा आप वीडियो को चेकआउट कीजिए चैनल में अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे अ ग्रेट डे एंड वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स हेल्प करें इसमें